जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जीवन मंत्रा चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जीवन मंत्रा में जो नुस्खे हम आपको बताते हैं वो वैद्यों और एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में आप बताएं। दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब अनेकों बीमारियों को न्योता देना है। बता दें, हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है। बिना आयरन के शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता। हीमोग्लोबिन खून को उसका लाल रंग देता है। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचाता है। अगर शरीर में आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, जिससे शरीर को मिलने वाले ऑक्सीजन में भी कमी होने लगेगी। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में आयरन की कमी ज्यादा देखने को मिलती है। पुरुषों में सामान्य हीमोग्लोबिन 13.5 से 17.5 ग्राम और महिलाओं में 12 से 15.5 ग्राम प्रति डीएल होना चाहिए। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना एनीमिया कहलाता है। अब कमी के कारण क्या क्या हैं, जरा एक बार देख लेते हैं। पोषक तत्वों की कमी, आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी, फॉलिक एसिड की कमी, स्मोकिंग, एजिंग और ब्लीडिंग, ये 7 कारण हैं जो आपके शरीर में खून की कमी करते हैं। तो हीमोग्लोबिन कम होने के लक्षण क्या क्या हैं, जरा देख लेते हैं। यदि आप जल्दी थक जाते हैं, त्वचा अगर आपकी फीकी और पीली दिख रही है, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, सीने और सिर में दर्द होता हो, तलवों और हथेलियों का ठंडा होना, शरीर में तापमान की कमी रहना, चक्कर और उल्टी आना, घबराहट लगना, पीरियड के दौरान अधिक दर्द होना, सांसें फूलना, धड़कनें तेज होना, अक्सर टांगें हिलाने की आदत और बालों का अधिक झड़ना, ये हीमोग्लोबिन के कम होने के लक्षण हैं। दोस्तों, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अब आपको करना क्या है, तो जरा देख लीजिए। आपको अनार का उपयोग करना है। एक अनार हमें 100 बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। अनार आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और विटामिन से भरपूर होता है। अनार शरीर में खून की कमी को बेहद जल्द पूरा करता है। आप चुकंदर का इस्तेमाल करें, क्योंकि चुकंदर शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने का रामबाण इलाज है। चुकंदर का जूस लगातार पीने से खून साफ रहता है और शरीर में खून की कमी भी नहीं होती। चुकंदर में आयरन के तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे नया खून जल्दी बनता है। केला का सेवन करें। केले में मौजूद प्रोटीन, आयरन और खनिज शरीर में खून बढ़ाते हैं। आप गाजर का इस्तेमाल करें। लगातार गाजर का जूस पीने या गाजर खाने से शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। आप अमरूद का इस्तेमाल करें। अमरूद जो पका होता है उसको खाने से हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रहती है। सेब का आप इस्तेमाल करेंगे तो जो भी एनीमिया से ग्रसित लोग हैं उनके लिए बहुत फायदा पहुंचेगा और वो हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में लाभदायक और कारगर सिद्ध होता है। अंगूर आप खाइए। अंगूर में विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। अंगूर में ज्यादा आयरन होने से ये शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक है। अंगूर हमारी त्वचा के लिए बहुत फायदा पहुंचाता है। आप संतरा खाइए। संतरा में विटामिन सी के अलावा फास्फोरस, कैल्शियम और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। संतरा खाने से शरीर में न केवल खून बढ़ता है बल्कि खून साफ भी रहता है। टमाटर आप खाइए। टमाटर सब्जी नहीं बल्कि एक पौष्टिक और गुणकारी फल है। टमाटर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन सी होता है। टमाटर का सूप या टमाटर खाने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है। आप हरी सब्जियां और सलाद खूब खाइए, क्योंकि शरीर में आयरन की कमी को दूर करने के लिए पालक, सरसों, मेथी, धनिया, पुदीना, बथुआ, ब्रोकली, गोभी, बीन्स, खीरा, ये होते हैं, ये बहुत फायदा पहुंचाते हैं। ये शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर माने जाते हैं। पालक के पत्तों में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। आप गुड़ का भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि गुड़ एक प्राकृतिक खनिज है जो आयरन का प्रमुख स्रोत होता है। ये विटामिन से भरपूर होता है। गुड़ शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। लगातार गुड़ खाने से पेट की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। इसके अलावा शरीर में आयरन और विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए मीट, चिकन, अंडे, मछली का भी सेवन कर सकते हैं। बता दें, अंडे के पीले भाग में भरपूर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। दोस्तों, जीवन मंत्रा जीवन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप निरोग बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आप लंबा जीवन जीते हैं। दोस्तों, जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।